ओ शांति, आपका प्रश्न है वेद कुरान बाइबल और दुनिया के धर्म ग्रंथ जितने भी लिखे गए हैं उन सब की सत्यता और विश्वसनीयता को स्पष्ट करें कि वो सत्य हैं और वो स्पष्ट हैं, कितना विश्वास करने योग्य हैं इस बात को समझें, जिसके लिए आपका आपके मुख से जो प्रश्न पूछा गया है वो मैं सुनना सुनाना चाहूंगा। ओम ओम शांति शांति सर। सर। सर मैं अभी एक वीडियो सुन रहा था, आध्यात्मिक वीडियो संत रामपाल जी महाराज का। उसके अंदर वो ये कहते हैं, जो ये गीता वेद शास्त्र जो हमारे लिखे हुए, इनके अंदर अधूरा ज्ञान है। ज्ञान तो सत्य है लेकिन अधूरा है, और ये संत कबीर को पूर्ण परमात्मा कहते हैं, उनकी तरफ से लिखा हुआ है पांचवा सूक्ष्म वेद जिसको बोलते हैं ये लोग। तो उस सूक्ष्म वेद में पूरी कंप्लीट नॉलेज है, इस वेदों वाला भी है वो भी है। तो संत रामपाल जी जो मेरे को समझ में आया, अभी ऐसा कर रहे हैं के जो वेद शास्त्रों में अधूरा ज्ञान है ना, ज्ञान सत्य है उस पांचवें वेद से मिलता है, तो उसको आप बीच के जो लिंक है उसको जोड़ के पूर्ण ज्ञान जो है, जो कि संपूर्ण पांचवा सूक्ष्म वेद के अंदर है, जो इन लोगों की जो कि कबीर जियों ने लिखा उसके अंदर है। और तो इसके बारे में ब्रह्मा कुमारी जी का क्या विचार है, इसी में मैं आगे आपसे एक ये भी पूछना चाहता हूँ। अब ये जो वेद शास्त्र गीता पुराण, ये वेद शास्त्र गीता पुराण की क्या हिस्ट्री है, कब लिखे गए, किसने लिखे, कौन से समय में लिखे गए, आपके हिसाब से, ब्रह्मा कुमारी जी के हिसाब से, एक तो इनकी हिस्ट्री बताने का कष्ट करें, ये कौन से टाइम में। अब वो तो ये कहते हैं कि ये ज्ञान तो सत्य है लेकिन अधूरा है, लेकिन आपके भी मैंने एक दो वीडियो देखे हैं, उनके अंदर आप लोग ये कहते हो कि ये जो वेद शास्त्र गीता पुराण है ना, मतलब परमात्मा की वाणी नहीं है, ये मनुष्यों के द्वारा लिखे गए हैं और इसमें आटे में नमक जैसी बातें सत्य हैं। तो अब मेरे दिमाग में द्वंद्व है, सही बात क्या है, गलत क्या है। तो ब्रह्मा कुमारी जी का इसके बारे में क्या विचार है, उस पे आप अपना जो दृष्टिकोण आपका उसको स्पष्ट कीजिए, आप ठीक हो और किस आधार पे ठीक हो। अगर संत रामपाल जी महाराज ठीक हैं तो आपके हिसाब से वो किस आधार पे ठीक या गलत हैं, तो इस पे पूरा स्पष्टीकरण देने का कष्ट करें। थैंक यू। ओम शांति। ये भाई साहब ने एक प्रश्न पूछा है कि ये सत्य है, कितना सत्य है। जब शब्द आता है सत्य तो सत्य किसको कहा जाता है? गॉड इज ट्रूथ, परमात्मा ही सत्य है। उस परमात्मा की सत्यता के आगे कोई सत्य नहीं हो सकता।
दूसरी बात आती है कि परमात्मा सत्य है, तो हमें परमात्मा का परिचय कौन देगा? दुनिया में आज तक हम सुनते थे गुरु देगा, ग्रंथ देंगे, शास्त्र देंगे। यदि हम किसी भी गुरु का नाम लें, उस गुरु को परिचय किसने दिया? उसके गुरु को किसने परिचय दिया? उसके गुरु को किसने परिचय दिया? उसको परिचय किसने दिया? उसको परिचय देने वाला, उसका गुरु उसको परिचय देने वाला, उसका गुरु उसको परिचय देने वाला, उसका गुरु। अल्टीमेट परमात्मा ने कभी परिचय दिया? क्योंकि एक बहुत छोटी सी एक्सरसाइज अपनी बुद्धि के अंदर करके देख लेनी है, किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई दूसरा व्यक्ति पूरा परिचय नहीं दे सकता, चाहे वो उतना कितना भी क्लोज हो, चाहे उसकी माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, पति हो, पत्नी हो, दोस्त हो, साथी हो, कोई भी हो, वो उतना परिचय दे सकता है जैसा उसने समझा, क्योंकि हर एक के सोचने समझने की क्षमता अलग अलग है। तो उस परमपिता परमात्मा का परिचय सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई नहीं दे सकता, चाहे हम किसको संपूर्ण गुरु कहें, अधूरा गुरु कहें, गुरु कहें। कोई भी गुरु परमात्मा का संपूर्ण परिचय नहीं दे सकता, वो उतना परिचय दे सकता है जितना उसको समझ में आया है। वेदों का रचयिता उस समय जब उसने वेदों की रचना की, परमात्मा को जैसा अनुभव किया उसने बता दिया। कुरान के रचयिता ने, बाइबल के रचयिता ने, किसी भी धर्म ग्रंथ के रचयिता ने जिस समय जो अनुभव किया उसने बता दिया, परंतु वो परमात्मा का परिचय नहीं है। बल कुछ लोग कहते हैं कि वेद परमात्मा ने ही लिखे हैं, ब्रह्मा ने ही लिखे हैं, परंतु ब्रह्मा भी देहधारी है, परमात्मा नहीं है। क्योंकि हमें सबसे पहले ये अपनी बुद्धि के अंदर स्पष्ट करना होगा कि आखिर परमात्मा है तो कौन है। जब तक हमारी बुद्धि में परमात्मा स्पष्ट नहीं होगा, तब तक हम नहीं समझ सकते कि परमात्मा कौन है। ठीक है, परमात्मा सारे संसार के धर्म मानते हैं कि गॉड जो है वो एक है, परंतु वो एक गॉड कौन है उसको जानते नहीं। वंडरफुल बात है कि सभी कहते हैं परमात्मा एक है, परंतु उसे जानते नहीं। और परमपिता परमात्मा, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूं कि परमपिता परमात्मा परम धाम से आकर, स्वयं आकर अब बता रहे हैं, मुझे सारे संसार के धर्म मानते हैं, जानते नहीं। नोट कर ले इस लाइन को, सारे संसार के धर्म मुझे परमात्मा मानते हैं परंतु जानते नहीं। कैसे मानते हैं, क्यों नहीं जानते हैं, क्यों भूल गए हैं, ये भी परमपिता परमात्मा ही आकर समझाते। पहले हम देखें मानते कैसे हैं, फिर हम देखेंगे सारे संसार के धर्म मोटे रूप से हम देख रहे हैं, उंगली ऊपर उठाकर कह रहे हैं ऊपर वाला जाने। हम ध्यान से देख रहे हैं, सभी ने कहा है ऊपर वाला जाने, किसी ने यह नहीं कहा कि मैं परमात्मा। प्रजापिता ब्रह्मा ने नहीं कहा, क्राइस्ट ने नहीं कहा, गुरु नानक ने नहीं कहा, बुद्ध ने नहीं कहा, महावीर जी ने नहीं कहा, राम ने नहीं कहा कि मैं परमात्मा हूँ, श्री कृष्ण ने भी नहीं कहा कि मैं परमात्मा हूँ, शंकर ने नहीं कहा कि मैं परमात्मा हूँ, वो भी बैठकर शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं। ये नीचे की तरफ आ गए हैं और हम ऊपर वाले पहले देख रहे थे कि सारे कहते परमात्मा ऊपर है। जो मानते हैं परमात्मा ऊपर है, उन्होंने इशारा ऊपर किया और उन्होंने जिधर इशारा किया उसे नूर कहा। वेदों में ओम कहा, ओम का अर्थ है ज्योति, नूर का अर्थ है ज्योति,
एक ओमकार का अर्थ है ज्योति, लाइट का अर्थ है ज्योति। क्राइस्ट ने कहा गॉड इज लाइट, आई एम द सन ऑफ गॉड। सबने परमात्मा को ज्योति माना है, सबने। गुरु नानक ने नूर कहा, कुरान भी नूर कहती है, ठीक है। ओम संस्कृत में ओम कहा गया, भाषा अलग अलग रही परंतु सब ने एक ही ज्योति को परमात्मा माना, किसी देहधारी को परमात्मा नहीं माना। किसी भी देहधारी को सभी परमात्मा नहीं मानेंगे। कुछ लोग देहधारी को परमात्मा मान लेंगे, कोई क्राइस्ट को गॉड मान लेगा, कोई बुद्ध को मान लेगा, कोई महावीर जी को मान लेगा, कोई शंकर जी को मान लेगा, मतलब कोई किसी किसी को मान लेगा, परंतु सभी किसी भी देहधारी को परमात्मा स्वीकार नहीं करते। सभी ध्यान से देखे, एक ज्योति को ही परमात्मा स्वीकार किया है। इसे वेदों में ओम कहा, कुरान ने नूर कहा, गुरु नानक जी ने नूर कहा, क्राइस्ट ने गॉड इज लाइट कहा, और जिसकी भक्ति करने के लिए ज्योति जलाई कहा भी, आत्मा भी ज्योति और परमात्मा भी ज्योति। क्योंकि परमपिता परमात्मा आके समझा दे, मैं हूं सारे संसार की आत्माओं का पिता, सबके शरीर के पिता अलग अलग है, शरीर विनाशी है, शरीर का पिता विनाशी है, परंतु आत्मा अजर अमर अविनाशी, आत्मा का पिता परमात्मा भी अजर अमर अविनाशी। तो यहां हमें समझ में आता है कि सारे संसार के धर्मों ने एक ही परमात्मा को माना है, परंतु ज्ञान ना होने के कारण, समझ ना होने के कारण जानते नहीं है कि हम सब आत्माओं का पिता परम आत्मा कौन है। तो परमात्मा को ना जानने के कारण अलग अलग है, मेरा धर्म अलग, तेरा धर्म अलग, इसका धर्म अलग, उसका धर्म अलग। आप दूसरा, ये तो ऊपर ज्योति के रूप में माना, तो उस ज्योति का यादगार इस पृथ्वी पर सबसे पहले बनाया गया महाराजा विक्रमादित्य के द्वारा सोमनाथ का मंदिर, जहां उन्होंने डायमंड रख के कहा कि देखो परमा, जैसे डायमंड हर वक्त चमकता है, ऐसे परमात्मा भी एक ज्योति है जो सबके अंधेरे को दूर करता है, इसलिए उसका नाम रखा ज्योतिर्लिंग। पुराने 12 शिव के मंदिरों का नाम है द्वादश ज्योतिर्लिंग। बाद में, क्योंकि परमात्मा ज्योति है ये उसका यादगार है, बाद में इसका नाम रखा गया शिवलिंग, क्योंकि परमात्मा कल्याणकारी है ये उसका यादगार है, इसलिए उसका नाम रखा गया शिवलिंग। और हम थोड़ा ध्यान से देखें, मुसलमान भाई भी हज करने जाते हैं, वहां भी गोल काले रंग का एक पत्थर रखा हुआ है। आप देख रहे हैं यहाँ, ये गोल काले रंग का एक पत्थर रखा हुआ है, जिसे वो सांग ए अश्वद कहते हैं। सांग माना पत्थर, ए माना एक, अश्वद माने काला, काला एक पत्थर, खुदा का यादगार पत्थर कहते हैं वो, सिर्फ खुदा नहीं कहते। हमने शिवलिंग को भगवान मान लिया, परंतु वास्तव में शिवलिंग भगवान नहीं है। शिवलिंग ज्योति स्वरूप परमात्मा का यादगार है, जिसका कोई हाथ पैर नाक मुंह आंख कान नहीं है, जो ये बताता है कि परमात्मा अशरीरी है, अजन्मा है, अयोनी है, अभुक्ता है, सर्वज्ञ है, सर्वोच्च है, संपूर्ण है, सर्वधर्म मान्य है। तो हमें आज जो सबसे पहली बात ये समझनी है कि जिसको सारा संसार परमात्मा मानता है वो परमात्मा होगा। और ये परिचय मैंने नहीं दिया, ये परिचय मुझे भी परमपिता परमात्मा से मिला है, जो अब आकर परमधाम से पढ़ा रहे हैं। आप भी आकर परमपिता परमात्मा से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं सत्य क्या है, क्योंकि सत्य सिवाय परमात्मा के नहीं बता सकते। परमपिता परमात्मा ने समझाया, मैं ही आकर सत्य बताता हूं। मैं आकर कब सत्य बताता हूं? इस परमपिता परमात्मा आकर समझाते कि मैं आकर सत्य बताता हूं। कब मैं आता हूं? जब सारी दुनिया पतित भ्रष्ट तमो प्रधान हो जाती है, जब सबका डूम्स डे आ जाता है, कयामत की रात आ जाती है, जजमेंट डे आ जाता है, जब सारी रूहें एकदम भ्रष्ट हो जाती हैं,
तब मैं आकर सारे संसार की आत्माओं को कलयुग के अंत में पतित से पावन बनाता हूँ, और जितना जो पुरुषार्थ करके पावन बनते हैं वो स्वर्ग के अधिकारी बनते। तो मैं आकर के ही सारे संसार की आत्माओं को ज्ञान देता हूँ, उनको तमसो मां ज्योतिर्गमे करता हूँ, मृत्यु और मां अमृत को गमे करता हूँ, ज्ञान की रोशनी देता हूँ, उनके जीवन में चढ़ती कला करता हूँ, उन्हें भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनने का रास्ता दिखाता हूँ। ये मेरा काम है। मैं आता ही तब हूँ जब सारी दुनिया भ्रष्ट हो जाती है, सब मुझे बुलाते हैं, जब उन्हें और कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, तब मैं आकर उन्हें ज्ञान देता हूँ, पवित्र बनने का रास्ता दिखाता हूँ। जितना वो श्रेष्ठ बनते हैं, जितना अपने चरित्र को श्रेष्ठ बनाते हैं, उसी अकाउंट से, उसी नियम से वो स्वर्ग में आने का अधिकार प्राप्त करते हैं। ये ज्ञान मैं आकर देता हूं। मैं यदि आकर ना दूं, परमात्मा कहते हैं, यदि मैं आकर ज्ञान ना दूं तो मुझे सारी दुनिया बुलाती क्यों है? मैं देता हूं ना, ये प्रमाण है, मैं आता हूं ना, तभी तो बुलाती है। यदि मैं आता ना होता, मैं ज्ञान देता ना होता, मैं ज्ञान समझाने वाला ना होता, तो कोई भी मुझे बुलाता तो क्यों बुलाता? मुझे बुला रहे हैं तो ये प्रमाण है कि मैं आकर ज्ञान देता हूं। और मैं आकर कब ज्ञान देता हूं? जब सारी दुनिया एकदम तमो प्रधान पतित रष्ट हो जाती है, और मैं आकर सबको पुनः पावन बनाता, ठीक है, और मैं ही आकर सत्य ज्ञान देता, मैं ही आकर पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाता। तो मैं सीधा हिस्ट्री ज्योग्राफी पर आता हूं कि परमपिता परमात्मा आकर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे समझाते हैं। परमपिता परमात्मा ने कहा, बच्चे जब इस धरती पर सतयुग और त्रेता होता है तो स्वर्ग होता है, एक ही कॉन्टिनेंट होता है, और जब इस धरती पर नरक होता है तो ये धरती के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। टुकड़े टुकड़े होने के कारण अनेक धर्म, अनेक मत, अनेक पंथ चल पड़ते हैं। जब तक इस धरती पर एक ही भारत होता है, एक ही टुकड़ा रहता है, एक ही खंड रहता है, तब तक ये स्वर्ग रहता है, क्योंकि एक मत है, आपस में कोई झगड़ा ही नहीं। जैसे ही अनेक मतें हुई तो झगड़ा शुरू होता है। अब इस बात को आम व्यक्ति तो समझ नहीं सकता, परंतु ज्योग्राफी साइंस के अंदर हम इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ सकेंगे। ज्योग्राफी साइंस के अंदर मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। जर्मन के मौसमी विज्ञानी अल्फ्रेड वैगनर ने पहली बार ये बात रखी कि ये जो धरती है, ये जो अलग अलग द्वीप है, महाद्वीप है, ये धीरे धीरे एक दूसरे के सापेक्ष आगे बढ़ते हैं, इनमें लगातार परिवर्तन आ रहा है। ये बात उन्होंने 1912 में एक महासम्मेलन के अंदर, एक सम्मेलन में अपनी बात रखी थी। उसके बाद उन्होंने इस पर एक पुस्तक लिखी जिसे 1915 में उन्होंने प्रकाशित किया कि ये महासागर महाद्वीप बने तो कैसे बने, जिसे आज मैं आपके सामने उसे दिखाने का प्रयास करूंगा कि किस प्रकार से ये उनके हिसाब से बताया गया। उन्होंने एक डायग्राम बनाया, उसके बाद बहुत सारे डायग्राम आगे वाले जो है ना वैज्ञानिकों ने बनाए। उन डायग्राम्स की जो विधि थी, जो सिस्टम था, वो मैं आपको दिखाता हूं।
ये पेंजिया था। पेंजिया का अर्थ जो आया सारी धरती को पेंजिया जर्मन भाषा में कहा गया। तो उस समय धरती केवल यही एक खंड थी, बाकी सारा एक समुद्र था। एक बटा तीन हिस्सा धरती, दो बटा तीन हिस्सा पानी था। तब इस खंड को कहा जाता था पेंजिया। जितने भी आज अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ये दिखाए हैं सारे के सारे, इन सब खंडों को उन्होंने मिलाया तो यही एक शेप बनी। ये शेप कैसे बनी है, जो ये खंड बने हुए हैं आज, इन सब को मिलाकर दिखाया और उन्होंने इस बात को प्रमाणित किया। जनरल नॉलेज में एक क्वेश्चन पूछा जाता है टिथिज सी, जहां आज हिमालय पर्वत है वहां ये टिथिज सी होता है। जहां भी देख रहे हो यहां पर आज हिमालय पर्वत है, क्योंकि धरती में परिवर्तन आया, ये थोड़ा सा ऊपर खिंच गया। ये जो इक्वेटर आप देख रहे हैं, ये इक्वेटर भूमध्य रेखा है। जब पेंजिया होता है तब भूमध्य रेखा होती है, परंतु कर्क रेखा और मकर रेखा नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये धरती एकदम बैलेंस्ड होती है। बैलेंस्ड धरती होने के कारण धरती का सेंटर पॉइंट और ग्रेविएशन पॉइंट एक होता है, जिसके कारण ये धरती बैलेंस रहती है और धरती बिल्कुल सीधी होती है। 12 घंटे दिन 12 घंटे रात रहता है, जिसे स्वर्ग कहा जाता है। जसरा बाहर मौसम होता है जहां देवताएं रहते थे, यहां कोई झगड़े नहीं होते थे। हमारे शास्त्रों में पुराणों में तो लिख दिए कि वहां झगड़े होते थे, परंतु यहां झगड़े हो फिर इसे स्वर्ग क्यों कहा जाए? यहां ही लड़ाई झगड़ा हो, यहां ही दुख हो, फिर इसे स्वर्ग क्यों कहा जाए? इस समय की कोई भी रिटर्न बुक, इस समय का कोई भी प्रमाणिक इतिहास पूरी दुनिया में अवेलेबल नहीं है, जिसे मैं आगे आपको दिखाने वाला हूं। अब होता क्या है, परमपिता परमात्मा ने कहा बच्चे ये सारा जो सृष्टि का चक्र है ये सिर्फ और सिर्फ कितने साल का है, 5000 साल का है। ये सृष्टि का चक्र 5000 साल का है। सतयुग त्रेता स्वर्ग और द्वापर का युग नरक होता है। ये चारों युग को कल्प कहा जाता है। ऐसे 7 दिन को सप्ताह कहा जाता है, 30 दिन को महीना कहा जाता है, 12 महीने को साल कहा जाता है। ऐसे चारों युगों के ग्रुप को एक कल्प कहा जाता है। ये दुनिया ही स्वर्ग होती है, यही दुनिया ही नरक होती है। जब स्वर्ग होता है तो एक ही खंड होता है, और जब द्वापर शुरू होता है तो एक खंड टुकड़े टुकड़े हो जाता है। कैसे के टुकड़े टुकड़े होता है इसको हम देखेंगे। ऐसे टूट जाता है। अब ये सॉलिड टूटता है, इस सॉलिड टूटने के कारण क्या होता है कि धरती का बैलेंस बिगड़ जाता है। धरती का बैलेंस बिगड़ने के कारण ये धरती 23.5 डिग्री पर झुक जाती है, जिसके कारण कर्क रेखा और मकर रेखा बनती है। ये कर्क रेखा और मकर रेखा स्वर्ग में नहीं होती, क्योंकि वहां मारो महीने मौसम एक जैसा रहता है, और अब नर्क शुरू होता है तो मौसम में परिवर्तन आता है, दुख शुरू होते। आज जो दुनिया के अंदर इतिहास अवेलेबल है 2500 साल का है। 2500 साल से पुराना कोई भी सर्टिफाइड प्रूफ आपको कुछ भी नहीं मिल सकता। जिसको सर्टिफाइड किया जा सके, जिसको डेट बाउंड किया जा सके। गपोड़े मारने में कोई कितना गपोड़े मारो, किसी को गपोड़े मारने से हम रोक नहीं सकते हैं,
परंतु सच्चाई तो सच्चाई ही है। इस बात का मैं आपके सामने प्रमाण देने वाला हूं आगे कि कैसे सारे, क्योंकि मैं सभी देशों में जो अलग अलग कॉन्टिनेंट बने, अलग अलग देश की भाषा भी फिर अलग अलग बननी थी, क्योंकि सारे जो भी बिखरे थे वो सारे के सारे एकदम धरती पर खड़े थे, उनके पास कोई मकान नहीं थे, क्योंकि एकदम सॉलिड टूटा, और सॉलिड टूटने के कारण जो जिस धरती के टुकड़े के साथ चले गए, उन्होंने सोचा हम बच गए हैं, बाकी सारे मर गए। अब उन्होंने अपना जीवन यापन करने के लिए क्या किया, नदियों का सहारा लिया, गुफाओं का सहारा लिया, जहां भी अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, जो जीव जंतु पशु पक्षी जो जिस कॉन्टिनेंट पर जैसे चले गए चले गए। इसीलिए उनके जीवन में जो परिवर्तन आए, उनके जो जीवन, उनके जो नगर दब गए, इससे पहले वाले नहीं, जो जहां गए रहे, उनके मौसम में परिवर्तन आने के कारण, बाढ़ आने के कारण, मौसम में परिवर्तन आने के कारण उनके जीवन लीला या उनके जो नगर जो दब गए, बाद में जो अब निकाले गए तो पता चला उनके जो वहां आके रहे थे कि उनका जीवन कैसा रहा। सब गए तो एक ही खंड से थे ना, इसलिए सबकी जीवन शैली एक जैसी थी, क्योंकि मैंने भाषा के इतिहास में एमए किया है, इसलिए मैं आपको भाषा के इतिहास से बता रहा हूं कि पूरे वर्ल्ड के हर कॉन्टिनेंट के आप मूल शब्द, जैसे संस्कृत है, फ्रेंच है, लेटिन है, जर्मन है, अरबी है, फारसी है, ठीक है, जो हिब्रू है, जो सबसे पुरानी लैंग्वेजेस हैं, उन सब के मूल शब्दों का उच्चारण लगभग एक जैसा है। जैसे संस्कृत में मातृ कहा तो उधर मैटर कहा, मात्र मदर, यानी माता बनता गया, अलग अलग थोड़ा थोड़ा उच्चारण में अंतर आया, इसी प्रकार पितृ पैटर फादर, इसी प्रकार से अलग अलग ब्रदर, मतलब सभी भाषाओं के अंदर इसी प्रकार के शब्द हमें मिलते, थोड़ा थोड़ा उच्चारण में अंतर आया। अब उच्चारण में अंतर आने के बाद धीरे 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 अंतर बहुत ज्यादा हो गया, और वो अलग अलग रहे। अब उन्होंने लिखने का, क्योंकि सबकी लिपि तो कोई थी नहीं, हर एक ने अपने अभिव्यक्ति के लिए जो आकृतियां बनाई, जो चित्र बनाए, अपने जो भाषा अभिव्यक्त करने की कोशिश की, उनके पास कोई नियमावली नहीं थी, बाकी वो जंगली भी नहीं थे, आदिमानव भी नहीं थे, वो उनकी अवस्था को थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ सकेगा। परमपिता परमात्मा ने बहुत अच्छी तरह समझाया कि बच्चे मैं आकर जब पढ़ाता हूं सबको, मैं सत्य ज्ञान जो देता हूं उसके आधार पर सबका एग्जाम लेता, ऐसे उनको पास नहीं कर देता, सबका एग्जाम होता है, और एक ही सेकंड का एग्जाम होता है डिटेल में जानने के लिए, क्योंकि मैं यहां पर बहुत शॉर्ट में आपको बताऊंगा। डिटेल में जानने के लिए इन सब विषयों पर अलग अलग वीडियोस बने हुए हैं, जिनको मैंने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, उन वीडियोस को आप तसली से देख सकेंगे। यहां मैं शॉर्ट में जंप लगा रहा हूं कि जब उनका मेरिट पर, मेरिट के बेस पर सारी आत्माएं परम धाम जाती हैं, उस मेरिट के बेस पर ही वापस आती, जब धरती स्वर्ग में 100% प्योर होती है, 100% प्योर आत्माएं परम धाम से आती हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे धरती यूज होने के कारण डिग्रेड हो जाती है, तो ऊपर से भी कम नंबर वाली आत्माएं आती जाती है, और सबसे पहले 100 नंबर वाली, और सत्यु के अंत तक 75 से जिनके ज्यादा नंबर थे वो आत्माएं आ जाती हैं, और यहाँ तक जिनके 50 से ज्यादा नंबर थे वो आत्माएं आ जाती हैं। अब यहाँ पर द्वापर में जो अलग अलग कॉन्टिनेंट पर खड़े थे, द्वापर में
जो अलग अलग कॉन्टिनेंट पर खड़े थे वो लगभग 49% 48% गुणवान थे, और द्वापर के अंत तक वो 25% उनमें पवित्रता रह गई, आज उनके अंदर 0% हो गई है। आज साइंस के साधन जिनको हम बहुत बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं, जो हमारे लगता है कि बहुत हमने उन्नति कर दी है, परंतु ये साइंस की वस्त स्टेज है, सबसे गंदी स्थिति है, तमो प्रधान स्थिति है। आज साइंस का साधन हमारे लिए मौत का कारण बना हुआ है, साइंस का एक एक साधन हमारे विनाश का आधार बना हुआ है। परंतु ये विनाश भी, ये परिवर्तन भी जरूरी है, सिस्टम है। परमात्मा कहते ये भी सिस्टम है, क्योंकि पुराने मकान को गिराने के लिए भी इसकी जरूरत थी। आज जितने भी विज्ञान के साधन है, एक तरफ हमें क्षणिक सुख जरूर देते हैं, परंतु अगले क्षण वो कितना हमें नुकसान पहुंचाते हैं, ये बैठ कर सोच सकते हैं। जो कितने समय से एक क्वेश्चन खड़ा हुआ है कि विज्ञान वरदान है या अभिशाप, ये कोई डिसाइड नहीं कर पा रहा है। क्यों डिसाइड नहीं हो पा रहा है? क्योंकि आज विज्ञान अभिशाप बन गया है, और अभिशाप बनने का एक ही कारण है कि मनुष्य का नैतिक पतन हो गया है। इससे बड़ा नैतिक पतन क्या होगा कि जीवन दायिनी आज की डेट में रेमिसन जो मेडिसिन है उनमें ही डुप्लीकेट। समझ सकते इस बात, किसके लिए मिसाइल बनाई है? प्यार से दिलों पर राज्य किया जा सकता है, परंतु मिसाइल बम से तलवार के आधार पर केवल डराया और धमकाया जा सकता है, राज्य नहीं किया जा सकता। और ये सब नैतिक पतन की निशानी है, चरित्र पतन की निशानी है, इसीलिए इसको नर्क कहा जाता है। तो परमात्मा आकर समझाते, बच्चे आत्माएं आज की अपेक्षा द्वापर में भी जब ये खंडर थे बहुत चरित्रवान थे, जिसका मैं एक एग्जांपल से आपको समझा सकता हूं कि मुझे नेशनल म्यूजियम में मोहनजोदड़ो हड़प्पा की मूवी देखने का मौका मिला, क्योंकि किताबों में पढ़ना एक अलग बात है, परंतु उनके चित्रों को दिखाना और इन आंखों से देखना, उस पर जो मूवी बनी हुई थी वो मूवी देखने का मौका मिला, जिसमें एक बात मुझे बहुत वंडरफुल लगी कि वो जो सड़कें थी वो एकदम प्लस के निशान पर बनी, एक ही डायरेक्शन में, नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट, बस एकदम एक दूसरे को क्रॉस करते थे। और आज आपका रास्ता आ रहा है, ये ले मेरा मकान, अब निकल कहां से निकले, रास्ता बंद कर दिया। ये है चरित्र की पतित अवस्था, और वहां सब एक दूसरे के साथ कैसे रहते थे, उस जीवन को देखकर आप समझ सकते हैं कि उनका चरित्र कितना ऊंचा। कोमल स्नानाग्रह, नालियों की बनावट, रहन सहन, इन सब को जानने से पता लगता है कि वो कितने चरित्रवान थे। और छोटे से एग्जांपल से समझ सकते हैं, आप अपने जीवन को देख सकते हैं कि जब आप छोटे बच्चे थे आज की अपेक्षा वो समय बेहतर था। बहुत सीधी सी बात है, और अपने फादर से पूछेंगे तो वो बताएंगे कि हमारे बचपन का समय
आज से बहुत बेहतर थी। यदि फोर फादर से पूछा जाता और उनके परदादा सर दादा से पूछा जाता तो बताते कि वो समय आज से बहुत अच्छा था। क्यों? क्योंकि अब से पहले और अच्छे थे, उससे 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 पहले और, उससे पहले और, उससे पहले और, उससे पहले और अच्छे थे। अच्छे से दुनिया गंदी बनी है। नियम है, नए मकान से पुरानी बनती है। अच्छी दुनिया आज गंदी बनी है। दुनिया का डेवलपमेंट नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ। चरित्र की दृष्टि से दुनिया का ह्रास हुआ है। इन साधनों के बढ़ने से हमें लगता है कि हमारे लिए बहुत सुविधाएं मिली हैं, परंतु जीवन का आराम सबके जीवन से गायब हो गया है। जब बैलगाड़ी का जमाना था, इतने बीमार नहीं होते थे, इतने नहीं मरते थे, इतनी बीमारियां नहीं थी। जितना हम और पीछे जाएंगे, क्योंकि उनका खान पान रहन सहन बहुत अच्छा था। आज खान पान दूषित, आज रहन सहन दूषित, आज एकदम भाग दौड़ में मनुष्य ऐसे भाग रहा है, ऐसे भाग रहा है, ऐसे भाग रहा है, पता ही नहीं किस भाग में भाग रहा है, क्यों भाग रहा है भाई, भोड़ लगी हुई। और जीवन से सुख और शांति गायब कर दी। विषय से बाहर नहीं जाऊं, मेरा सिर्फ आपको समझाने का मतलब था कि इतिहास इस बात को समझा रहा है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जो हिस्ट्री अवेलेबल है वो केवल और केवल ये 2500 साल की अवेलेबल है, जिसके लिए मैं आपको रिटर्न प्रूफ दे रहा हूं, पूरे वर्ल्ड की सर्वे में आपके सामने रख रहा हूं, आप उसको समझ सकेंगे। ये तो पृथ्वी के बारे में आपको बताया। अब जो वर्ल्ड की लैंग्वेजेस है, मैं एक एक लैंग्वेज का बता रहा हूं कि वो कितनी पुरानी लैंग्वेज है। रिटर पुरातत्वविदों के वो फोरम रोमनम में एक पत्थर पर शिला लेख मिला जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है। हालांकि ये ज्यादातर पढ़ने योग्य नहीं है, ये स्पष्ट है कि लेटिन अक्षरों का इस्तेमाल किया जा रहा था। इस शिला लेख से पहले लेटिन वर्ड शब्दों का कहीं लिखित रूप नहीं मिलता, और ये कब? ईसा से 600 साल पहले। ये 600 साल भी अनुमानित है, ये 500 साल के बाद, इससे पहले नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि परम पिता परम आत्मा ने बताया है। ये वर्ल्ड ड्रामा एक सेकंड काम या ज्यादा नहीं हो सकता है। तो 100 साल का ये उनके हिसाब किताब में मिस्टेक हो सकती है, परंतु परमात्मा के बताए हुए में मिस्टेक नहीं हो सकती। दूसरा देखेंगे, ये हमने देखा जब अपना जर्मन का एक लिखित भाषा के रूप में पुरानी फारसी शाही अचमनित शिला लेख में प्रमाणित है। पुरानी फारसी में लिखा गया सबसे पुराना ज्ञात पाठ बेहिस्टून शिला लेख से है, जो राजा डेरियस ने ईसा से 522-486 मतलब 500 लगभग, ये 10-20 साल का अंतर क्यों हुआ ये मैं आपको समझा सकता हूँ। 100 साल का अंतर भी क्यों हुआ ये आपको मैं समझा सकता हूँ, क्योंकि ये जो सन या संवत ये जो बनाए जाते हैं, ये हर एक राजा आया, हर एक ने अपना संवत शुरू किया, फिर उनको मिलाने वाले तो हम ही थे। हमारी कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं इतनी गलती तो हो ही सकती है, हजारों सालों की नहीं है ये, तो 150 साल की गलती, ये कॉमन हमारी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है।
मतलब हम देख रहे हैं कि फारसी शब्द का पहला रिटर्न प्रूफ ये है, इससे पुराना कोई रिटर्न प्रूफ हमारे पास अवेलेबल नहीं है। और हम अरबी भाषा में देखेंगे, अरबी वर्णमाला संभवतः चौथी शताब्दी ईसा से 400 साल बाद ईस्वी में, ईसा से पहले नहीं, प्रमाणित मतलब जो लिखित मिला है समय उत्पन्न हुई थी। लेकिन सबसे पुराना मौजूदा अरबी लेखन का एक त्रिभाषी शिलालेख ग्रीक सिरियक अरबी 512 ईस्वी में मिला, मतलब ईसा से 500 साल बाद का है। इससे पहले अरबी भाषा का कोई भी शिलालेख सर्टिफाइड नहीं है। पुरानी फारसी भाषा अचमेनियन राजवंश के प्रशासनिक भाषा थी, जो छठी शताब्दी में ईसा पूर्व से थी, और एक पूर्व मध्य इंडो आर्यन बोली भारतीय महाद्वीप में मौर्य सम्राट अशोक के कुलाधिपति भाषा थी, जो तीसरी शताब्दी ईसा से 300 पूर्व, जिसे हम संस्कृत लिखेंगे, वो मैंने अलग दिया है, क्योंकि ये दोनों भाषाओं का वो 600 साल पहले, और जो भारत की संस्कृत भाषा है जो हमारे भारत के अंदर सम्राट अशोक के टाइम पर हुई, और वो ईसा से लगभग 300 साल पहले, ठीक है कि नहीं, वो मैं अलग भी आपको बताने वाला हूँ। और मैं आपको दिखा रहा हूँ हिब्रू। कई लोग मानते हैं कि हिब्रू के उपयोग पिछले 5000 वर्ष से किया जा रहा है। इसके शुरुआती लिखित उदाहरण केवल 100 ईसा पूर्व मिलते हैं, ईसा से 100 साल पहले, ठीक है कि नहीं। जर्मन भाषा के पहले अभिलेख में से एक पहली शताब्दी ईसा पूर्व का है, जब रोमन कब्जे के दौरान राइन डेन्यूड क्षेत्र के निवासियों ने के संपर्क में आए थे। आज हम जिस आधुनिक जर्मन का जानते हैं वे उस भाषा से पहचाने योग्य नहीं है जिससे रोमियों ने पहली बार देखा था, मतलब उससे मिलती नहीं है, मतलब ये मिले हैं जो प्राचीन, या हम संस्कृत पर आए हैं, अपनी जो भाषा है हमारे भारत की। संस्कृत की उत्पत्ति वैदिक संस्कृत के रूप में लिखा है इन्होंने, जो अब लिखा हुआ है 1700-1200 ईसा पूर्व के रूप में हुई थी, और मौखिक रूप से वैदिक मंत्रोच्चार परंपरा के एक भाग के रूप में संरक्षित है, मतलब मौखिक था, प्रमाणित नहीं है, ध्यान दीजिएगा। विद्वान पाणिनि ने वैदिक संस्कृत को शास्त्रीय संस्कृत के मानकीकृत किया, और जब उन्होंने व्याकरण को लगभग 300 ईसा पूर्व परिभाषित किया, मतलब ईसा से 300 साल पहले पहला व्यक्ति इस पृथ्वी पर, भारत की धरती पर हुआ, जिसने भाषा की व्याकरण बनाई, अष्टाध्यायी व्याकरण। व्याकरण बनाने के कारण उसने उसका नाम दिया संस्कृत। संस्कृत शब्द कैसे रखा? संस्कारित भाषा, संस्कृत भाषा, सुधरी हुई भाषा, मतलब मैंने एक ये नियम बना दिए हैं जिससे ये भाषा सुधरी हुई है। ये जब उन्होंने लिखा, इससे पहले 4 वेद लिखे जा चुके थे, उनको वेद अर्थात ग्रंथ, आज हम वेदों को अपनी भाषा में पता नहीं क्या समझते हैं, ग्रंथ पुस्तक जिसमें ज्ञान की बातें हो या जो भी किताब हो, वेद उसे कहा गया, मतलब वाणी कहो, विद्वानों की वाणी है ना, विद्वानों द्वारा कही गई बातें। तो जो हमारे विद्वान थे उन्होंने समाज को डायरेक्शन देने के लिए अपनी बातें जो लिख दी, जो लिपि उनके पास थी, उन्होंने कोई अपनी लिपि भाषा बना के नहीं लिखा था कि हम ये वैदिक संस्कृत लिख रहे हैं, उन्होंने अपनी कौन सी भाषा, उनका नहीं, केवल वो जो कह रहे थे, जो लिख रहे थे, वो आगे वाले पढ़ रहे थे, समझ रहे थे, बस इतना था कि मैंने बोला, मैंने लिखा, आपने समझ लिया, काम हो गया। परंतु कोई नियम नहीं था, जैसा आया, परंतु पाणिनि ने आकर नियम बनाए, उसी उन्हीं को पढ़ करके कि कहीं कहीं वो गलतियां कर जाते थे, क्योंकि उन्हें नहीं मालूम हमने क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कि किसको पहले बोलना है, किसको बाद में बोलना है। मैंने जो कहा वो आपको समझ में आ गया, चाहे उसमें सब्जेक्ट पहले था, चाहे उसमें वर्ब पहले था, चाहे उसमें एडजेक्टिव पहले था, क्या पहले था, इसका कोई मतलब नहीं है।
वेदों वैदिक वेदों में हम ये नहीं कह सकते कि सारी गलतियां हैं, परंतु वहां कोई नियम नहीं है, कहीं कोई नियम है कहीं कोई नियम है, जिसके कारण जब पाणिनि ने नियम बना दिए, संस्कृत भाषा बना दी, अब उससे पहले वाले उपभाषा को क्या नाम दिया जाए, तो उसका नाम दिया गया वैदिक संस्कृत, क्योंकि वेदों में जैसा लिखा गया, क्योंकि उस संस्कृत में ग्रामर के नियम पूरी तरह फॉलो नहीं हुए, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं थे नियम बने ही बाद में, इसलिए उसका नाम रखा गया वैदिक संस्कृत और इसका नाम रखा गया लौकिक संस्कृत या संस्कृत। आप जो व्याकरण के अनुसार नहीं बोलते थे उनको कहा गया पाली, पाली माना गाय भैंस चराने वाले। तो बात हम समझ रहे हैं, तो मेरी बात आपको बताने का मतलब ये था कि ये वेद कोई लाखों करोड़ों साल पहले नहीं लिखे गए, ये अब से 2200 साल पहले वेदों की रचना हुई 2500 के बीच में, क्योंकि 2500 साल पहले तो कुछ भी उस समय का कुछ भी अवेलेबल नहीं हो सकता। आप चाहे साइंटिफिकली देख लो, कोई भी साइंस की बुक, कोई भी साइंस का फार्मूला, मैंने इसको रिसर्च किया है, तो मैंने यहां इतना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, कोई भी साइंस का फार्मूला आपको 2500 साल से पुराना नहीं मिलेगा, कोई साइंटिस्ट नहीं मिलेगा। आप इस बात को नेट पर बहुत अच्छी तरह रिसर्च कर सकते हैं, जितनी दुनिया की बुक्स हैं आप उनको पढ़ सकते हैं, कोई भी साइंटिस्ट नहीं मिलेगा जो 2500 साल से पुराना। हमारे सामने जो फिलोसोफर्स हैं सारे के सारे 2500 साल के अंदर हैं, 2500 साल से पुराना कोई हमारे को फिलोसोफर भी नहीं मिलेगा, चाहे सुकरात हो, चाहे अरिस्टोटल हो, चाहे कन्फ्यूशियस हो, जो भी अलग अलग कॉन्टिनेंट पर अलग अलग विद्वान हुए, जैसे भारत की धरती पर विद्वान हुए ऐसे हर धरती पर विद्वान हुए, पर तो कोई भी विद्वान हमें 2500 साल से पुराना नहीं मिलेगा। मैं वीडियो को बहुत लंबा ना करते हुए मैं सीधा आपके विषय पर आता हूं कि बहुत क्लियर हमें समझना है कि जितने भी ग्रंथ हैं ये अभी लिखे गए और ये सारे के सारे मनुष्यों के द्वारा लिखे गए, परमात्मा ने एक भी ग्रंथ नहीं लिखा, परमात्मा कोई ग्रंथ नहीं लिखते, परमात्मा किसी ग्रंथ से नहीं पढ़ाते। मुझे कबीर दास की लाइन है, क्योंकि मैंने कबीर को बहुत अच्छी तरह से एक पूरे विषय के रूप में पढ़ा हुआ है, क्योंकि हिंदी भाषा के अंदर कबीर को पढ़ना जरूरी था, कबीर मेरा एक सब्जेक्ट था। कबीर ने लिखा, पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ पंडित भया न को, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित, परंतु उस कबीर का नाम लेकर संत रामपाल जी लिखते हैं ये वेद सत्य है। जो वेद को सत्य नहीं जानते उन्हें पढ़ना नहीं आता, उन्हें समझ ही नहीं है। कबीर ने कहीं मैंने नहीं पढ़ा ऐसा लिखा हो कि वेद सत्य है। उन्होंने तो इनको कहा है कि इन किताबों को पढ़ने से कोई भी पंडित नहीं बन सकता, कोई समझदार नहीं बन सकता, पंडित से मतलब था। मैं मोटा सा एग्जाम्पल देता हूं कि रावण के लिए कहा जाता है 4 वेद 6 7 18 पुराण पढ़ा हुआ था, उसके बाद भी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार था, क्या फायदा हुआ 4 वेद 6 7 18 पुराणों को पढ़ने का। जितने भी किताबें हैं ये सब की सब मनुष्य के द्वारा रचित हैं और मनुष्य को कहा जाता है भोगी, भोगता, जिसने शरीर को भोगा, 5 तत्वों के शरीर को भोगा वो भोगी। और इस शरीर को कहा जाता है झूठी काया, झूठी माया,
झूठा ये संसार, झूठा ये संसार, क्योंकि काया झूठी है, विनाशी है। और जो अपने आप को समझते हैं मर जाते हैं, वो अपने आप को देह समझते हैं, अपने सत्य स्वरूप को नहीं पहचानते। आप परम पिता परमात्मा आकर सत्य समझाते, वास्तव में मैं तुम सारे संसार की आत्माओं का पिता हूं, हम सारे संसार की आत्माएं परम धाम से इस दुनिया में आई हैं, और हम सारे संसार की आत्माओं को वापस अपने घर परम धाम जाना है। मैं आया हूँ सारे संसार के आत्माओं को ले जाने के लिए, मैं आया हूँ सारे संसार की आत्माओं को सत्य ज्ञान देने के लिए। अब परमात्मा आकर कहते, मैं कोई पुस्तक से पढ़कर नहीं सुनाता, मैं ज्ञान कोई किताबों से नहीं देता हूँ, किताबों में सत्य ज्ञान हो नहीं सकता, मैं ही आकर के सत्य ज्ञान सुनाता हूँ। आप परमात्मा आकर सत्य ज्ञान सुना रहे हैं, हमें उस ज्ञान के आधार पर अपने आप को श्रेष्ठ बनाना है, पावन बनाना है, चरित्रवान बनाना है। बनाएंगे तो सतयुग के आदि में आएंगे। और यहाँ किसी प्रकार का नामदान नहीं होता, यहाँ कोई गुरु धारण करना नहीं होता, यहाँ स्वयं परमात्मा डायरेक्ट पढ़ाते हैं, यहाँ कोई देहधारी गुरु नहीं होता। यहाँ तक ये प्रजापिता ब्रह्मा जिसका हम चित्र ऊपर देख रहे हैं, ये भी स्टूडेंट है, मैं भी स्टूडेंट, ये हमारा सीनियर स्टूडेंट है। इन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखाया, ईश्वरीय ज्ञान को अपने जीवन में धारण करके दिखाया। बट परमात्मा कहते, बच्चे ये आपका बड़ा भाई है, दादा माना बड़ा भाई है, जैसे मैं इसका पिता हूं, ऐसे मैं तुम सारे संसार की आत्माओं का पिता, याद रख, मेरे बीच में कोई दलाल नहीं होता, मुझे मिलाने के लिए कोई साधन की माध्यम की जरूरत नहीं है, मैं आपका डायरेक्ट पढ़ाता हूं इनके तन के द्वारा, क्योंकि किसी एक ही तन लूंगा ना जिसके तन से पढ़ाऊंगा, मैं आकर इनके शरीर का आधार लेता हूं, क्योंकि मेरा अपना कोई शरीर नहीं है, मैं अपना शरीर कभी नहीं बनाता, मैं शरीर के बंधन में नहीं आता, मैं आपकी तरह भोगी नहीं बनता, मैं अभोक्ता हूं, मैं केवल आधार लेता हूं इसके साथ और आपके साथ बात करने के लिए, आप सबको सत्य ज्ञान देने के लिए, सन्मार्ग दिखाने के लिए, मेरे सिवाय कोई सत्य मार्ग दिखा नहीं सकता, क्योंकि मैं हूं जिसके गुण और शक्तियां कभी क्षय को प्राप्त नहीं होती, और वो रास्ता जो परम पिता परमात्मा ने बताया है, उसके वीडियोस भी, छोटे छोटे वीडियोस इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डले हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। किसी भी प्रकार का आपके मन में कोई डाउट आए, आप जरूर क्लियर करें, आपका अधिकार है, परंतु आप मुझे व्हाट्सएप पर लिख कर भेजेंगे, क्योंकि फोन पर डाउट क्लियर करना इम्पॉसिबल। आप लिख कर भेज देंगे, उसके वीडियोस मैंने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हुए हैं, और यदि आप लिखकर भेजेंगे और वो वीडियो मैंने नहीं बनाया है, उस प्रकार का जवाब मैंने नहीं दिया है, तो उसका वीडियो बनाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑटोमेटिक आ जाएगा और आप उसे देख पाएंगे, और डायरेक्ट मैं आपके पास भेज ही दूंगा, ठीक है। तो इस प्रकार से
आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, किसी भी प्रकार की आपको शंका हो, आप उसके समाधान के लिए लिख सकते हैं, मैं भगवान नहीं हूं, ये याद रखना है। मुझे जितना परमात्म ज्ञान से समझ में आ रहा है, मैं उतना आपके सामने जरूर प्रस्तुत करूंगा। और अच्छी तरह समझना हो तो यहां पर महासागरों के अनुसार दिखाया है, मैंने आपको पहले बता दिया है। तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से संपर्क करें, और यदि प्रश्न है तो ये मेरा मोबाइल नंबर है 9213106986 पर केवल व्हाट्सएप पर। ओके, ओ शांति।